शादीशुदा है? हाँ हाँ कंफर्म। पति देव बहुत खुले विचार के लगते हैं। वाइफ को ऐसा कम कपड़ों में भेज दिया इधर। बिचारे गरीब होंगे। भाई तो तेरी बनी है ना, कहाँ है आजकल? अभी मैंने ब्रेकअप कर लिया उसे। क्यों? क्या हुई? अरे तुमको पता है ना बंगालन की काला जादू किया था मुझ पर। हाँ असर लग रहा है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं एसबी और आज हम देखने वाले हैं वाह बेटे मौज कर दी ट्रेंडिंग मीम्स फ्रॉम दी चैनल मीमापुर। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर बैठे सब लोगों में से सबसे बड़ा पापी कौन है? ये या तो कुणाल है या तो आमिर है। पॉल भैया। क्यों क्यों क्यों? गंदी गंदी वीडियोस देखते। मैं एक्चुअली वर्कआउट कर दिया, जो तो वर्कआउट तो बोर हो जानी है, फिर साइकिलिंग कर लेनी है, साइकिलिंग तो बोर होनी है, फिर डांस कर लेनी है, सो थोड़ा थोड़ा बट नॉर्मली कितने फिर एक्टिंग का तो कर दियो। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर रोड है और ये फ्लावर के नीचे जंगल्स होते हैं, इनकी ना टांग टूटी हुई है। अंकल जी खड़े होकर दिखाना एक बार, खड़े हो एक बार आप। Wait a minute. इनकी ना टांग टूटी हुई है। अंकल जी खड़े होकर दिखाना एक बार, खड़े हो एक बार आप। अबे तू थोड़ा सा बहन क्या? तो मैंने उसमें एक माउंट आबू में था स्कूल और एक कोलकाता के पास, तो आई थिंक मैंने एडमिशन भी लिया था, लेकिन फिर वो ऐसा उन्होंने बोला कि बाल बाल काटने पड़ेंगे बहुत, तो मैं छोटे बालों से बहुत, आपको ये तकलीफ नहीं। अरे मोटे एक बात बता, अबे तेरा पेट है कि मटका है? मटका है मटका। नीचे नल भी है। पानी पिएगा? आज आपको बताते हैं कैसे हिंदी बोर्ड के विद्यार्थी सफल नहीं हो पाते। ये देखिए भारत में हिंदी बोर्ड की ट्रेन आ रही है 2 मिनट में और CBSE बोर्ड वालों के लिए ट्रेन आ रही है 1 मिनट में। कीजिएगा ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। एक काम कीजिए आप, साजिद भाई की फिल्म शुरू कर दीजिए एंड वी विल गेट समथिंग नाइस एंड वी विल स्टार्ट। एक दिन भाई का मैसेज आया गॉट इट, मेरे दिमाग में याद था कि आप वीजा मिला है बेल मिला है क्या? मिल मेरे को कई बार, कसम खुदा की तेरे कुत्ता ने बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान। भाई एक प्रॉब्लम हो गई। क्या भाई? भाई गर्लफ्रेंड का नाम लड़के के नाम से पे किया था। अच्छा फिर घर वालों ने कैट कर ली। अब उन्हें पता चल गया गर्लफ्रेंड के बारे में? नहीं भे, अब उन्हें ये लग रहा है कि मैं गे हूं। मैडम क्या काम करते हो आप? मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा डॉक्टर हूँ, किस चीज के डॉक्टर हो आप? हार्ट स्पेशलिस्ट। हार्ट स्पेशलिस्ट। हाँ। वैसे होता है आप लोगों के पास हार्ट? क्यों नहीं होता, हम लोगों का दर्द समझते हैं और फील भी करते हैं। हाँ दर्द देते भी तो वैसे आप ही लोगों। ये कौन सा सॉन्ग है, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसमें का आवाज नहीं है इसलिए। इन लोगों ने मुझे वोटे दी हैं और मैंने इनको वादा किया था कि सड़कों पर लाइटें जलेगी, मुझे तुरंत यहाँ पर बिजली चाहिए। 2 दिन बाद वापस काट लेना। तो मैं सर ये कहना चाहूंगा कि सर आप साइंस के हर एक को कॉन्सेप्ट पे सर आप वीडियो बनाइए, ठीक है, जिससे हमें बहुत मदद मिलेगी। हर चीज के ऊपर हम एक्सपेरिमेंटल वीडियोज नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप समझ, जैसे अब फॉर एन एग्जाम्पल सर बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन है मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी टीचर है वो सबको रिस्पेक्ट तो कीजिए ही, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे डीएन पांडे सर को कीजिएगा, ठीक है? हर समय वो हमारे साथ साथ देते हैं, हर चीज में आपको समझाएंगे, भले 2 डंडे मारेंगे लेकिन उनकी उनकी बातें हमेशा दिल पे लगती है, और हमारे 11 के भाइयों बहनों को शुक्रिया इतना कुछ करने के लिए। और हाँ
आप स्पोर्ट्स या हेल्थ टेक में हो और आप तीनों मतलब लग नहीं रहे हो मुझे कि रोज एक्सरसाइज करते हो या स्पोर्ट्स में। सिर्फ एक चीज ऐसी थी कि बोल दूं। बोलना यार, बोलने तो आया। जो अपना सलोन वाला है वो भी गंजा होता है। हाँ गंजा है मतलब। मैं कुछ लाई हूँ गिफ्ट राहुल के लिए। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। लेकिन उसके लिए राहुल को मेरे साथ पीछे आना पड़ेगा। क्या राहुल? सर सच में जा रहे हैं। मनाली का तो भाई वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप बोल सकता हूँ मैं। तो जब मैं मनाली गया था तो मेरा एक इंस्टाग्राम का फ्रेंड है, बंदा मेरे होटल के नीचे आया और फिर मेरे को लेके गया वो, ठीक है, उसके घर पे। तो उसके घर पे कोई भी नहीं था, तो उसकी बंदी आने वाली थी। तो मैं उसको ऐसे ही हवे में बोल दिया कि भाई तेरी बंदी आ रही ना, तो उसको बोलना उसकी कोई दोस्त रहेगी तो ए रहा नहीं जाता। तो बंदी बोलती हाँ ठीक है मैं लेके आ रही हूँ एक फ्रेंड को। तेरा भाई खुश बोला भाई मतलब शॉट। उसकी ना उसकी फ्रेंड आई, मतलब कार नीचे आया, एक फ्रेंड नहीं थी, दो फ्रेंड को लेके आई थी वो। मतलब मेरी दिमाग की माँ हो गया, मेरा फ्रेंड और उसकी बंदी जो है भाई, उन लोग चले गए बेडरूम में, ठीक है। अभी मेरे को तो फुल ऑकवर्ड रहा था, क्योंकि भाई अगर अकेली बंदी होती तो कुछ कर सकते थे, पर दो बंदी है तो फिर मैं भी चले गया। मतलब मनाली में घर तो बड़े बड़े रहते, तो फिर मैं एक बेडरूम में चले गया एंड आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग द रील्स, ठीक है। तो भाई थोड़े टाइम के बाद, तू बिलीव नहीं करेगा, डोर पे नॉक हुआ। अच्छा। और डोर पे नॉक हुआ और जब मैं दरवाजा खुला ना भाई, दो लड़कियां मेरे बेडरूम के बाहर खड़ी थी, ठीक है। और उन लोग मेरे को बोलते हैं कि क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं क्या। उसके बाद मैं तुम लोगों को चूतिया बनाया था। आपका बिग बॉस में जाने का मोटिव क्या था? अरे वही यार, मुझे लगा कि एल्विश शर्मी ने एल्विश भाई की इतनी हवा बना रखी है तो मेरी ब्रो सेना तो कुछ तूफान लेके आएगी। लेकिन मुझे क्या पता था, बिना कपड़े उतारे नंगा कर दिया जाएगा मुझे। सारी उम्र मैं जो कर जब बढ़िया। दो उंगलियां और एक अंगूठा होता है, ये हमारे इंडेक्स फिंगर है, ये हमारे मिडल फिंगर है। बच्चों अभी नहीं, अभी कोई मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। Wait a minute. Thank you. कब हो गया ये? कब हुआ कब? मार ही डालोगे क्या राजा? क्या कर रहे हैं आप? चला के क्या बात कर रहे हैं? तो क्या समझे कि मैं क्या कर रहा हूँ आपके साथ इतनी रात को? प्लीज काम डाउन। जी जो सोचते हैं सोचने दीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो दर्द का मजा ले रहे हैं। तो बस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, और ऐसे ही मीम्स रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।